बॉलीवुड के कुछ ऐसे सेलिब्रिटी जिन पर आपको भूलकर भी विश्वास नहीं करना चाहो तो इनका नाम लिखकर याद रख लो। सबसे पहले नंबर पर नाम आता है अक्षय कुमार, यानी हमारे खिलाड़ी भैया। बॉलीवुड के खिलाड़ी भैया ने जिस तरीके से अपनी आम जनता का काटा है, उस तरीके से तो किसी लड़की ने लड़के का भी नहीं काटा होगा। इन भाई साहब ने एक इंटरव्यू में बोला था कि ये जिंदगी में कुछ भी कर लेंगे लेकिन नशीले पदार्थों का प्रचार कभी भी नहीं करेंगे, लेकिन भाई साहब अपनी बातों से मुकर गए और उन्होंने कुछ ये बोला। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए, विमल बोलो जुबान केसरी। इसके बाद जनता ने ट्रोल करना शुरू किया तो भाई साहब की अकल ठिकाने आ गई। फिर इन्होंने उसी जुबान से सफाई देते हुए ये बोला कि जितना भी पैसा प्रचार में मिला है वो सारा पैसा वो डोनेट कर देंगे। खिलाड़ी भैया में देशभक्ति भावना तो कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन वो देशभक्ति भावना इंडिया की नहीं बल्कि कनाडा की है, क्योंकि ये कनाडा का नागरिक है। हाँ, जानता हूँ कि आप भी यही सोच रहे होंगे कि इसने फिर से भारत की नागरिकता ले ली। दूसरे नंबर पर नाम आता है बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट, यानी आमिर खान का। आपको भरोसा हो या ना हो, लेकिन ये बात पूरी तरह से सत्य है। आमिर खान ज्यादातर उन फिल्मों को एक्सेप्ट करता है जिनमें किसी भी तरीके से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हिंदू धर्म को टारगेट करके उसका मजाक बनाया जाता है। ये मिस्टर परफेक्ट है, लेकिन इसका परफेक्ट एग्जांपल है पीके फिल्म। पीके फिल्म के हर एक सीन में सिर्फ एक ही मकसद रखा गया था, या तो सनातन धर्म का मजाक बनाना है या फिर इस्लाम के प्रति लोगों का विश्वास जताना है। लेकिन जब लोगों को पीके फिल्म का असली मकसद पता चल गया तो उन्होंने आमिर खान को उसकी औकात दिखा दी और नतीजा ये हुआ कि लाल सिंह चड्ढा को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। पीके फिल्म का ये सीन तो आपको पता ही है जिसमें आमिर खान ने कुछ भी नहीं पहना, सिर्फ रेडियो लगाया हुआ है। अब आप आमिर खान की बेटी के जन्मदिन की ये कुछ तस्वीरें देख लो जो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुई थी। जब आमिर खान से आपकी अदालत में सवाल किया गया कि उसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आमिर खान ने ये जवाब दिया था। जैसे हम जब बच्चा पैदा होता है तो वो बिना कपड़े के पैदा होता है, तो मुझे नहीं लगता कि कपड़े पहनने में या कपड़े ना पहनने में कोई वल्गैरिटी है या कोई गलत मैसेज है। तीसरे नंबर पर किसी एक्टर का नहीं बल्कि एक्ट्रेस का नाम आता है। नाम है अमीषा पटेल, जिसे गदर एक प्रेम कथा में सकीना की भूमिका से सबसे ज्यादा पहचान मिली। जानकारी के लिए बता दें कि अमीषा पटेल इन बूढ़े अंकल से प्यार करने लगी थी। जब इस बारे में अमीषा पटेल के घर वालों को पता चला तो अमीषा पटेल की मम्मी ने अमीषा पटेल को चप्पल से मारा था। इस बात से खफा होकर अमीषा पटेल ने अपने ही घर वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी थी। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि अमीषा पटेल इन अंकल से सच में प्यार करती है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। प्यार का नहीं, फिल्म का चक्कर था बाबू भैया, फिल्म का। बाद में इन भाई साहब ने भी अमीषा पटेल से अपना काम निकाला और उसके बाद अमीषा को छोड़ दिया उसी के हाल पे। वैसे आपको अमीषा पटेल की गदर एक प्रेम कथा में भूमिका कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।